क्या हुआ यहाँ पे? सर इस तरफ पीठ पट्टी में गोलियां चली है। गोलियां चली है? हाँ सर, तीन तीन गोलियां चली है। तो तुमने देखा कौन गोलियां चला रहा था? नहीं सर। चलो चलकर देखते हैं। संभल के, खतरा हो सकता है। निकल। अभिजीत, दया, सर, हाँ, यहाँ पे। गोली मारी है। इसके शरीर पे तो गोली लगने का कोई निशान नहीं। इसे किसे मारा? लेकिन गांव वाले तो कह रहे थे कि तीन तीन गोलियां चली। इस आदमी को वैसे ही मारा जैसे उस मॉल वाले आदमी और ढाबे वाले आदमी को मारा, गर्दन तोड़ के। गर्दन तोड़कर इसे भी मारा है? तो फिर इन दोनों पर गोलियां किसने चलाई? गन पाउडर। तो इसका मतलब है इन दोनों पर गोलियां इसने चलाई है, इसने। सर इस केस में दो दो मुजरिम है, एक का तो काम हो गया, दूसरा फरार है। सर जो आदमी मरा इसका नाम मोहित है, ये रहा उसका आईडी कार्ड। इसका नाम उमेश है सर। ये क्या सर? ऐसा लगता है यहाँ पे कोई चीज चिपका के रखी थी, खूनी इसे उखाड़ के लेके चला गया है। अभिजीत, जो भी चीज यहाँ पर चिपकाई हुई थी उसी चीज के लिए ये खून खराब हुआ है। इसका नाम मनी है और इसकी जेब में से ये मैच बॉक्स मिला है। शिरडी इंटरनेशनल होटल। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे होटल में सीआईडी के लोग आएंगे। मैं एसके इस होटल का मालिक हूँ, ये मेरा मैनेजर है अभिनव। देखिए अभिनव जी, हमारा काम ही कुछ ऐसा है, खूनी को ढूंढने के लिए हमें कई जगहों पर जाना पड़ता है। खूनी? या खूनी सर, पर हमारा तो किसी भी खूनी के साथ कोई भी लेना देना नहीं है सर। ये माचिस आप ही के होटल का है ना? हाँ सर, ये हमारे ही होटल की माचिस है, लेकिन ये आपके पास कैसे?
जानना चाहेंगे ये मैच बॉक्स हमें कहां से मिली? ये मैच बॉक्स हमें एक लाश की जेब में से मिली। लाश की जेब से? या लाश की जेब में से, खूनी की लाश की जेब में से। इसका मतलब खूनी मर चुका है सर? हाँ, मर चुका है खूनी। तो फिर आप लोग किसे ढूंढ रहे हैं? खूनी के खूनी को ढूंढ रहे हैं हम। खूनी के खूनी को। खूनी के खूनी को? सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर, पूरा दिमाग घूम रहा है सर। कोई बात नहीं, हम आपको समझा देते। ये है वो खूनी, आप ही के होटल में रुका था ना? हाँ सर, ये आदमी हमारे ही होटल में रुका था। ये 313 में, या एक मिनट सर। हाँ सर, ये हमारे होटल में रुका था, इसका नाम रवि है सर। नहीं नहीं नहीं, रवि नहीं हो सकता, मनी होगा, मनी चेक कीजिए। नहीं सर, ये कैसे हो सकता है सर, इसका नाम यहाँ पे रवि लिखा है सर। रवि के नाम से? तो तुमने उसका आइडेंटिफिकेशन चेक किया था जब उसे रूम दिया था? सर उसके सिवा तो हम किसी को रूम देते ही नहीं है सर। ये देखिए सर इसका एंट्री, मेरा सर। 14 मार्च को चेक इन हुआ और 17 मार्च को चेक आउट, मतलब 3 दिन यहाँ पे रुका था, 3 दिन। अच्छा, इस रवि से मेरा मतलब है, इस मनी से कोई मिलने आया था? नहीं सर, बल्कि ये तो कमरे से बाहर ही बहुत कम निकलता था सर। इन फोटो को जरा ध्यान से देखिए, इनमें से कोई है जो मिलने आता था? नहीं सर, इनमें से कोई भी इसे मिलने के लिए नहीं आया। कोई भी मिलने नहीं आया? ये कैसे हो सकता है, जब मनी यहाँ पर 3 दिन रुका था तो उसके साथियों में से कोई भी उसे मिलने नहीं आया, तो फिर वो 3 दिन यहाँ पर रुका ही क्यों? क्यों रुका वो 3 दिन? सर, टू कंपनी वालों का फोन। बात करो। हेलो, जी हाँ, सभी पैसेंजर्स की लिस्ट मिल गई? गुड, आप मुझे वो लिस्ट उनके फोटोज के साथ एक नंबर पर फैक्स कर दीजिए। आपके होटल का फैक्स नंबर क्या है? रिकी लिखवाया था सर। अच्छा अभिनव जी, एक बात बताइए, क्या ये रिकी और मनी जब होटल में ठहरे थे तो क्या एक दूसरे से मिले थे? नहीं सर, पर इस नील ने एक बहुत ही अजीब चीज की थी सर। अजीब चीज क्या? सर ये नील कमरा नंबर 302 में रुका था, लेकिन इसने उसी के साथ 301 और 303 भी बुक किया था सर। क्यों, कोई और भी ठहरा था उन दोनों कमरों में? नहीं सर, वही तो हैरानी की बात है कि दोनों कमरे खाली पड़े रहे सर। कमाल है सर, इस नील ने 3-3 कमरों का किराया दिया। वही तो फ्रेडी, ये नील अपने कमरे में कोई ऐसी खिचड़ी पका रहा था जिसकी खुशबू किसी और को ना आए। अभिनव जी, कौन मिलने आया था इस नील को? हाँ सर, दो लोग आए थे, लेकिन नील के कमरे में ही वो उससे मिले सर। ओ, तो आपने उन्हें देखा होगा ना, क्या उनका स्केच बनवा सकते हो? कोशिश कर सकता हूँ। सर, मानसाला वगैरह क्या है? ये बघा, काली पैंट घातली होती, नीले रंग, जो हल्का नीले रंग होता है ना, वैसा शर्ट पहना हुआ था। ते शहरी मानसा होते? नहीं बघित सर। नहीं नहीं बघित। ओह थैंक यू। तो आया तो वो लोग यहीं पे, यहाँ जितने भी घर हैं सब मैं पूछ के देखा।
गांव वाले तो मना कर रहे हैं सर। हाँ? नहीं सर, किसी ने नहीं देखा। और सर इस तरफ ही किसी ने नहीं देखा। कमाल है, ऐसा हो कैसे सकता है? कहीं ये गांव वाले हमसे कुछ छुपा तो नहीं रहे? लेकिन सर गांव वाले हमसे झूठ क्यों बोलेंगे? शायद उन खूनियों ने धमकी दी हो, गन भी तो है उनके पास, है तो यही कहे कहा। खून ज्यादा पुराना नहीं है। ये देखिए यहाँ पे दीवारों पे भी खून लगा हुआ है, लगता है कोई आदमी लड़खड़ाता हुआ दीवारों का सहारा लेके गया है। बस जगह पे गोली चली सर, सीट पे खून पड़ा हुआ है। जरूर ये ड्राइवर का खून होगा, उसकी सीट से हमें खून मिला था ना। ये देखा, खून के निशान आगे तक जा रहे हैं। इसके आगे तो निशान दिख नहीं रहे। हाँ सर, इसका मतलब वो लोग यहीं कहीं हैं सर। किसे पूछते हैं? अरे बाप सुनो, ये गांव में कोई डॉक्टर है क्या या अस्पताल वगैरह? नहीं साहब, यहाँ अस्पताल या दवाखाना तो नहीं है, उसके लिए आपको शहर जाना पड़ेगा। किसी ऐसे आदमी को देखा जिसे चोट लगी हो, खून बह रहा? नहीं सर। खूब आदमी शहर से आया है, थोड़ा जख्मी है। माफ कीजिए सर, मैंने कुछ भी नहीं देखा। अच्छी बात है सर, गाँव में अगर ऐसी कोई घटना होती है तो बात अक्सर आग की तरह फैल जाती है, मगर यहाँ पे तो किसी को कुछ खबर ही नहीं। कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। अगर ये गांव वाले हमें नहीं बता रहे हैं तो हम लोग खुद ढूंढेंगे। गांव काफी बड़ा है, फैल जाओ, अलग अलग जगह ढूंढो। चुप क्यों हो तुम लोग? बताते क्यों नहीं? देखो उसे, देखो गोली लगी है इसे। अगर इसे हॉस्पिटल नहीं ले जाया गया तो मर जाएगा ये, और इसका इलाज तब तक नहीं हो सकता जब तक इस आदमी को पासवर्ड नहीं मिल जाता। अगर मुझे पता तो मैं बोल देता आपको, बता देता था। तुम्हें तो पता होगा। मेरे पास भी नहीं। नहीं? तुम्हें तो जरूर पता होगा, बताओ। नहीं, मेरे पास तो नहीं है। झूठ बोल रहे हो तुम लोग सब। पासवर्ड को पेट में दबा के करोगे क्या? अरे हम सबकी जान से ज्यादा कीमती है पासवर्ड तुम लोगों के लिए। कम से कम इस फैमिली के बारे में तो सोचो। ये आदमी हम सबको मार डालेगा, तुम सबको, मुझे, इन बच्चों को। जब हम में से कोई जिंदा बचेगा ही नहीं तो क्या अचार डालोगे उस पासवर्ड का? इन लोगों को तो अपनी जान प्यारी नहीं है। मैं क्या करूं? कोई मुंह खोलने को तैयार ही नहीं है। तुम अपने काम में फेल हो चुके हो, और काम में फेल होने वाले लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। प्लीज प्लीज गोली मत चलाना, इसमें मेरा क्या कसूर? अगर मुझे पासवर्ड पता होता तो मैं पहले ही बता देता। 5 मिनट का टाइम दे रहा हूं मैं इनसे, अपनी जान की भीख मांग सकते हो तो मांग लो, मुझे पासवर्ड चाहिए, पासवर्ड। आपको चाहिए? नहीं नहीं, आप एक बार बताओ, आपने 5-6 लोगों को देखा है क्या? एक ही जैसे कपड़े पहने हुए थे, ब्लैक कलर की पैंट और हल्के नीले कलर की शर्ट, शहर से आए हुए हैं। नहीं साहब, आप कौन? CID। साहब 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 क्या हुआ?
साहब ये जो पीछे घर है ना, हाँ इधर कुछ गड़बड़ लग रही। या? क्या क्या गड़बड़ है साहब? ये जो घर है ना, इसमें से कुछ चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही है। चीखने चिल्लाने की आवाज? किसका घर है, कौन रहता है यहाँ? एक मियाँ बीबी रहते हैं और उनके साथ दो बच्चे रहते हैं साहब। अच्छा, और कोई खास बात जो आज तुम्हें अजीब लग रही है? रोज इसी वक्त साहब दोनों बच्चे बाहर खेलने आते हैं, आज आए नहीं। दो साल से यहाँ धंधा लगा रहा हूँ साहब, ऐसा कभी नहीं हुआ, और आज तो दरवाजा भी एक घंटे से बंद है साहब। घर खोलना पड़ेगा। तीस सेकंड बचे हैं तेरे पास, सिर्फ 30 सेकंड। अगर इन्होंने पासवर्ड नहीं बताया ना, तो समझ ले तू सीधा ऊपर। प्लीज प्लीज अब तो बता दो, मैं मरना नहीं चाहता। मेरी 3 साल की बच्ची है, मेरे लिए ना सही, मेरी बच्ची के लिए तो पासवर्ड बता दो तुम लोग, प्लीज बता दो ना, बता दो। अरे कैसे पत्थर दे लोगो तुम, एक पासवर्ड नहीं बता सकते? 3 साल की एक मासूम बच्ची के सर से बाप का साया उड़ जाएगा, और जिम्मेदार होगा वो एजेंट जो पासवर्ड नहीं बता रहा है। सॉरी, तुझे मरना होगा। कौन है दरवाजे पे? कौन है? कोई मेहमान आने वाला था क्या? चल चल जल्दी कर, चल। अगर कोई हो तो उसको बाहर से दफा कर देना, और सुन, अगर तूने कोई होशियारी की तो समझ ले तेरी फैमिली के लोग यहां पर हैं। कैसे रेडी? गुड। रेडी पूर्वी, ये दोनों स्केचेस इस होटल के पूरे स्टाफ को दिखाओ, किसी ने तो देखा होगा इन दोनों को, कुछ ना कुछ तो बताएंगे इनके बारे में। अरे सुनो, इन दोनों को देखा है आपने? आए थे होटल में? नहीं सर। इन दोनों को पहचानते हैं आप लोग? कहीं देखा है इन्हें? नहीं मैडम, इनको कहीं नहीं देखा। इतना देर लगा यार, सो रहे थे क्या? कौन पाईजा? कौन है तू? कहाँ साहब, भला ना ओळखला? हाँ, मी घनश्याम, पूरे शिरडी में सबसे अच्छी भाजी हम ही तो बेचते साहब। भाजी? भाजी? क्या चला साहब, आप इतना डरे डरे क्यों है? आपकी भाई को ना आपको डांटा क्या? बाद में जात बाबा, बाद में ना, मुझे कोई सब्जी नहीं चाहिए। जात जात जात। अरे ऐसे कैसे चले जाए साहब? ये मालकिन ने बोला था बैंगन लाने के लिए, आज आपका भुर्ता बनाएगी, मेरा मतलब बैंगन का भुर्ता बनाएगी आपके लिए। अरे बाबा बोला ना मालकिन घर पे नहीं है, बात बनाने का। जा 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 जा। क्या बात करते साहब, मेरे को मालूम मालकिन इस वक्त कहीं नहीं जाती है। आप हटो साहब। अरे जा, अरे बोला ना जा, अरे भाग जा, अरे भाग जा। घबराओ मत, मैं सीआईडी से आपकी मदद के लिए आया हूं। कितने लोग घर के अंदर? इनके पास हथियार है? घोड़ा है मेरे पास, और इसमें गोली भी है। सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत, ए गन फेंक। मैंने बोला ना गन फेंक, जल्दी उड़ा दूंगा इसको, उड़ा दूंगा इसको और इसके बच्चों को भी। देख बहुत गलत कर रहा तू। अबे क्या सही है और क्या गलत, मुझे मत सिखा। छोड़ छोड़ उसे, जितना मैंने कहा उतना कर। गन फेंक, नहीं तो उड़ा दूंगा इसे।
नहीं ओके इन स्केचेस को देखकर बताओ क्या 14 और 17 तारीख के बीच में दोनों लोगों में से कोई आया था यहाँ पर देखा किसी को तुमने ये तो नहीं आया था सर लेकिन इसको देखा था सर ये आया था हाँ जी सर कब आया था ये दो दिन पहले आया था सर दो दिन पहले आया था मतलब 16 तारीख को आया था है ना हाँ सर क्या ये अकेले आया था इसके साथ कोई और भी था नहीं अकेला आया था सर और यह टेबल पे बैठा था और बार बार दरवाजे की तरफ देख रहा था सर बात बताओ क्या तुमने उसे किसी से बात करते हुए देखा किसी से मिलते हुए नहीं सर अच्छा और कुछ खास बात याद आती है उस आदमी के बारे में मैंने वैसे कुछ ध्यान नहीं दिया सर जरा सोच के बताओ याद करो दिमाग पर जोर डालो अपने याद करो जब उसने पेमेंट करने के लिए पर्स खोला तो उसके पर्स में एक क्या क्या था उसके पर्स में उसके पर्स में एक कार्ड था सर कार्ड विजिटिंग कार्ड हाँ विजिटिंग कार्ड था तो उस विजिटिंग कार्ड पे क्या लिखा था तुम्हें पता है देखा तुमने उस पे एक डिजाइन बनी थी डिजाइन बनी थी हाँ तो क्या वो डिजाइन तुम बनाकर दिखा सकते हो हाँ जी सर बना सकता हूँ ये लो ये सर माय गॉड ये केस तो हमारे सोच से भी बड़ा निकला हेलो हेलो मैं इसे भी प्रद्युमन बोल रहा हूं मेरी बात ध्यान से सुनो ध्यान से सुनो मैं तुम्हें एक स्केच भेज रहा हूं एक आदमी का स्केच जो तुम्हारे साथ काम करता है मैं चाहता हूं कि तुम उसे अपने साथ लेकर यहां चले आओ शिरडी इसी वक्त आई डोंट केयर इसी वक्त चले आना उसे लेकर हजारों लोगों की जिंदगी का सवाल है समझे इसी वक्त चल अबे चल चल चुपचाप चलते रहे माय गॉड इसे तो गोली लगी है पता है चल दूर हट देखो हम सब यहां पे हैं इसे डॉक्टर के पास जाने दो तू जितना बेवकूफ मुझे समझ रहा है ना उतना बेवकूफ मैं हूं नहीं तो कम से कम डॉक्टर को फोन करके यहां बुला लेता ये तेरा सीआईडी ब्यूरो नहीं है समझा ज्यादा होशियारी मत कर देखो ये मर जाएगा मरने देना तुझे क्या फर्क पड़ता है ऐसा आप एक चाकू गर्म करके दो मैं इसकी गोली निकाल देता क्या इस तरह बुलाने का क्या मतलब है आपको तो पता होना चाहिए कि हम डेंटिस्ट हैं। हाँ मिस्टर स्वरूप हमें पता है इसीलिए आपको हमने यहां पर बुला लिया है आपके संस्था में बहुत गड़बड़ है गड़बड़ कैसी गड़बड़ इन्हीं से पूछिए क्या आप जानते हैं सर जानते तो नहीं लेकिन बहुत जल्द जान जाएंगे क्या नाम है इनका ये तो शेखर है शेखर तो फिर शेखर बताओ 16 तारीख को तुम यहाँ इस होटल में क्या करने आए थे वो सर मैं मैंने भेजा था इसे किसी सीक्रेट मिशन पे तो
किससे मिलने के लिए है ना? ये तो नील है सर, आप मुझे बताइए सर प्लीज कि बात क्या है। यू प्लीज लेट मी नो व्हाट इज द ट्रुथ। तो फिर मिस्टर स्वरूप हमें बताइए आप कि आपका मिशन क्या है, क्या है आपका मिशन जो आपने शेखर और नील को यहां पर भेजा? सर हम एक पावरफुल बम बनाने में कामयाब हुए, उसे टेस्ट के लिए मुंबई से चेन्नई शिरडी के रास्ते ले जा रहे थे। और इसीलिए तुमने नील को उन रिसर्च करने वालों के साथ भेजा ताकि किसी को शक न हो कि वो तुम्हारा एजेंट है ना? हाँ सर। ये भी तो तुम्हारा एजेंट है ना? हाँ ये तो मेरा एजेंट उमेश है, बॉम्ब तो इसी के पास था। क्या बॉम्ब उमेश के पास था? तो फिर मिस्टर स्वरूप ये उमेश मर चुका है, तुम्हारा एजेंट उमेश मर चुका। What? शायद अब वो बॉम्ब गुनेगारों के हाथों लग गया। My God. Oh, no. अगर बॉम्ब उमेश के पास था तो फिर आपने नील को उन लोगों के साथ क्यों भेजा? देखिए बॉम्ब को एक्टिवेट करने के लिए एक पासवर्ड रखा गया था और दोनों एक ही आदमी को देना बहुत खतरनाक हो सकता था, इसके लिए मैंने उमेश को बॉम्ब और नील को पासवर्ड दिया था। लेकिन दिस वाज अ सीक्रेट मिशन, किसी को पता कैसे चला? इसकी वजह से देश की गद्दारों के हाथों बिक गया ये। नहीं सर। चुप। बता कितने पैसे मिले तुम्हें मनीष से देश के साथ गद्दारी करने के लिए? शर्म आनी चाहिए तुझे, अपने देश से गद्दारी? हमसे तो भाग जाएगा मगर अपने जमीर से कैसे भागेगा तू? नहीं सर, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया है सर, आप मुझे फांसी पे चढ़ा दीजिए। फांसी तो तेरे लिए बहुत कम है गद्दार, जी चाहता है कि तुम्हें उसी बॉम्ब से उड़ा दूं। जल्दी निकल। अरे जल्दी निकलो, जल्दी। गाड़ी में बैठो, जल्दी गाड़ी में। प्लीज मुझे जाने दो, पासवर्ड इन दोनों में से किसी एक के पास है। एक बार मुझे पासवर्ड मिल जाने दो, सबको जाने दूंगा, सबको। गाड़ी में बैठो। अरे गाड़ी कैसे चलानी आती है बोलो, कैसे चलानी आती बोलो। कोई नहीं बोलेगा, किसी को नहीं आती। पहले नहीं बोलने को होता, खोपड़ी खोल देता इसकी। ले ले गाड़ी चला। अबे बैठना, जल्दी जल्दी चल उधर, चल बैठ जल्दी। आपको फोन करना पड़ेगा। अभिजीत सर वो आदमी तो निकल गया, अपने साथ तीन लोगों के लेके क्या है। लेकिन अभिजीत देखो बॉम्ब का पासवर्ड नील के पास है, नील के पास। अगर नील ने मुंह खोल दिया तो तबाही मच जाएगी, समझे? तबाही मच जाएगी। किसी भी हालत में उस खूनी को रोकना ही होगा तुम्हें। रोको उस खूनी को अभिजीत, पासवर्ड उनके हाथों में नहीं गिरना चाहिए, समझे? ओके। देखो मेरा भेजा गरम हो रहा है, मुझे जल्दी से बता दो कि पासवर्ड किसके पास है वरना सबको मार दूंगा। ठीक है मैं तुमसे एक एक करके पूछता हूं। ए, तू बता क्या है पासवर्ड? मुझे नहीं मालूम कसम से। इसका मतलब तू मेरे किसी काम का नहीं है। ए, गाड़ी रोक।
दरवाजा खोल, चलो उतर। अबे उतर, चल चल भाग भाग यहां से। गाड़ी चला, निकल यहां से। तुम दोनों ने देख लिया ना पासवर्ड ना बताने का अंजाम। अब सीधी तरह से मुझे तुम दोनों बता दो कि पासवर्ड तुम दोनों में से कौन जानता है। तू बता, अब तेरी बारी है। कसम से मैं सच कह रहा हूं, मुझे नहीं पता पासवर्ड क्या है। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। ए, अब तो ये पक्का हो गया है कि पासवर्ड तुझे पता है। अगर तू उन दोनों की तरह नहीं मरना चाहता है तो सीधी तरह से पासवर्ड मुझे बता दे, जल्दी। अबे बोल। की बॉडी तो मिल गई, लगता है इस तीसरे को भी मार दिया। जिंदा है। ए, नाम क्या तुम्हारा? तुम वही एजेंट हो ना जिसके बाद बॉम्ब का पासवर्ड? क्या पासवर्ड क्या है? नील? क्या? इधर? हाँ? ये पासवर्ड तुमने खोनी को तो नहीं दे दिया? पता चल गया सर। I'm sorry. सही मचा देगा। नाम क्या उसका? कौन है वो? नहीं वाला। बम डीएक्टिवेट करने का कोई पासवर्ड है? मैं इसमें सबको बताता हूं। हेलो सर, इसको नहीं, तूने को मार दिया सर। पश्चिम ने उसे पासवर्ड भी बता दिया है। हम लोग अपनी जान पे खेल जाएंगे सर, बस शिरडी में कुछ होने नहीं देंगे।
आओ वेंकट आओ, आज तुमने वो काम कर दिखाया जो अच्छे अच्छों ने नहीं किया। अरे तुमने तो साइंटिस्टों के नहीं CID के भी छक्के छुड़ा दिए। मैंने कहा था ना बॉस, इस काम के लिए मुझसे अच्छा आदमी मिल ही नहीं सकता। आओ ACP आओ। और ये क्या, तुम तो अकेले ही आए हो, तुम्हारी वो वानर सेना कहाँ है? क्या हुआ ACP, तुम चुप क्यों हो गए? वो बॉम मुझे दे दो। बॉम तो ऐसे मांग रहे हो जैसे उधारी के पैसे। देखो तुम जो भी करने जा रहे हो गलत। तुमने आने में बहुत देर कर दी ACP, बहुत देर। अब तुम्हारे पास केवल 20 मिनट बाकी है। इन 20 मिनटों में ये बॉम्ब ब्लास्ट हो जाएगा, सब के सब मर जाएंगे। तुम भी तो नहीं बचोगे। तुम्हें क्या लगता है ACP, सिर्फ CID वाले ही सर पे कफन बांधकर घूमते हैं? हाँ, मैं भी अपने मिशन के लिए जान दे सकता हूं। मेरे साथ साथ तुम भी और तुम्हारी वानर सेना भी मारी जाएगी, याद रखना। क्यों कर रहे हो तुम? हाँ? क्या मिलेगा तुम्हें? खुशी। हिंदुस्तान को तबाह होते हुए देखने की खुशी। सिर्फ 17 मिनट बचे हैं। यहां से 100-100 किलोमीटर दूर तक सबके सब मर जाएंगे, तबाही मच जाएगी। अगले 50-50 सालों तक पैदा होने वाली नस्लें अपाहिज पैदा होंगी ACP, अपाहिज। खास तक नहीं होगी यहां पर। ये कैसी खुशी है जो तुम हजारों मासूम लोगों की जाने लेने निकले हो? मैं नहीं, जान लेने वाला तो कोई और है। हम तो इस मिशन के एक छोटे से प्यादे हैं। कोई और? कौन है वो? नाम क्या है उसका? नाम तो मैं भी नहीं जानता, मगर मिशन है हिंदुस्तान का सर्वनाश। मर गए वो जिन्होंने हिंदुस्तान का सर्वनाश चाहा, एक एक करके मर गए, समझे? हर युग में तुम जैसे सैकड़ों गद्दार पैदा हुए हिंदुस्तान का सर्वनाश करने के लिए, मगर जलकर खाक हो गए। तो ठीक है, अगर हिम्मत है ACP, तो बचा लो अपने हिंदुस्तान को, बचा लो उस बॉम्ब को ब्लास्ट होने से। संभाल के देख।
वेरी सॉरी सर। इस रिमोट का बटन दबते ही तबाही शुरू। प्लीज मैं तुमसे विनती करता हूं, भीख मांगता हूं, मत करो ये, हजारों मासूम लोगों की जानें चली जाएगी। यही खौफ मैं तुम्हारे चेहरे पर देखना चाहता था एसीपी, यही खौफ। नहीं प्लीज प्लीज मैं तुमसे विनती करता हूं, भीख मांगता हूं, मत करो ये। 5 मिनट, तुम्हारे पास केवल 5 मिनट है एसीपी। नील का पासवर्ड डालता हूं, 8217। अब क्या? नेट, नेट कनेक्ट करो मोबाइल से, मोबाइल निकालो जल्दी। ये हाँ रही सर, यस सर। 2 मिनट एसीपी, 2 मिनट बचे हैं, बचा सकते हो तो बचा लो अपने हिंदुस्तान को। सिर्फ 40 सेकंड बचे हैं। ये नील के पैर पे जो पासवर्ड लिखा था उसको अगर उल्टा लिखेंगे बम डीएक्टिवेट हो जाएगा। क्या था नंबर? है 8216334334। मतलब 4433446618। नहीं नहीं, एट नहीं सर, 20 सेकंड बचे सर। सेवन था, सात, 20 सेकंड सर। अभिजीत 8 था 7 नहीं 8 था 7 7 8 8 7 7। अब जीत, अगर नंबर गलत हो गया तो ये बॉम्ब लॉक हो जाएगा और डिफ्यूज करना मुश्किल हो जाएगा। तो 2 सेकंड सर। अरे ये बॉम्ब फूटता क्यों नहीं है? मुझे नहीं पता। कोई आगे नहीं बढ़ेगा, रुक जाओ वहीं पे। नहीं, कोई गोली नहीं चलाएगा। उठ, उठ। मैं दया, बर्बादी क्या है इसको मैं बताता हूं। क्या? क्या? मुझे ये तो शुरुआत है, आगे आगे देखता जा तेरे साथ क्या होता है। देखा मिस्टर वेंकट और मिस्टर टाइगर, सीआईडी से कोई बच नहीं सकता, समझे? कोई भी नहीं। अगर मुझे पहले पता होता कि सीआईडी मेरा ये हाल करेगी तो मैं सीधे तरीके से बच्चों को मार चलाट सिखा कर पैसा कमाता, पर ये बुरा काम कभी नहीं करता, कभी नहीं। कमाल है सर, इसे तो बड़ी जल्दी अकल आ गई। ये सारी खुफिया इंफॉर्मेशन शेखर ने तुम्हें बेची थी ना? हाँ सर, हाँ, बॉम्ब के बारे में उसी ने हमें बताया था सर। पर हमें ये नहीं पता था कि वो एजेंट कौन है जिसके पास बॉम्ब है।
इसलिए मैं उन रिसर्चर्स के साथ उनके झुंड में घुस गया ताकि ताकि मैं उस एजेंट का पता लगा सकूं। और मणि, वो भी तुम्हारा ही आदमी था ना? नहीं, वो हमारा आदमी नहीं था, वो उन लोगों के साथ था, लेकिन अपने काम को आसान बनाने के लिए मैंने उसे खरीद लिया था। और जब मणि को बॉम्ब मिल गया तो तुमने उसका भी खेल खत्म कर दिया। हाँ सर, उसको जिंदा रखने का फायदा ही क्या था? तुम लोग सिर्फ खूनी ही नहीं, देशद्रोही भी हो, और देशद्रोह की सजा है मौत। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।